वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपके सेमेस्टर वन की डेट शीट आ चुकी है, 27 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। आप डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप चेक वहां पर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सिर्फ हमारे पास में आज से मैक्सिमम 2 महीने ही बचे हैं। अब 2 महीने में सिलेबस किस तरीके से कवर होगा, अब सवाल यह है स्टूडेंट के सामने। तो स्टूडेंट्स, 2 महीने आपके पास में, एक मैं आज बात करूंगा जिस सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का नाम जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके पास में। आपने इससे पीछे अपने एकेडमिक में कहीं पर भी आपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं समझा। तो बिल्कुल ये नया सब्जेक्ट आपको मैं टीच करने वाला हूं सेमेस्टर वन में। और बिजनेस लॉ के लिए 2 महीना जो है टाइम पीरियड, में कहूंगा कि ये एक सफिशियंट टाइम नहीं है, कम टाइम है। जनरली क्लासेस अल्टरनेट बेसिस पर चलती है, लेकिन यहां पर समय इतना कम बचा है, पेपर आपके इतने नजदीक है कि हमें जरूरत बीच में रहेगी, पड़ेगी कि आपकी क्लासेस रेगुलर कर करके भी आपका कोर्स को कवर किया जाए। तो अब आप यहां से बिल्कुल भी प्लान ना करें। क्यों? क्योंकि आज आप पेड कोर्स में जाएंगे बिजनेस लॉ में, तो पेड कोर्सेस में आज जितने का आपको एक कोर्स आपको मिलेगा, पेपर से 5 दिन पहले भी आपको इतने का ही ऑफर होगा। तो आप 1 महीना आपको रुकने का, इसका कोई आपके पास में इसका बेनिफिट नहीं है। और वहां पर आपको 1 दिन में ज्यादा ज्यादा वीडियोस देखनी पड़ेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी पड़ेंगे। अगर आप अभी से अपने कोर्सेस में एनरोल होते हैं तो आप लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे और लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिजनेस लॉ के बारे में आप पढ़ेंगे, एक बिजनेस लॉ के सिलेबस जो है वो रिवील हो चुका है। आपका सिलेबस आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि आपके यूनिट 1 रहने वाला है, उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा। आपके पास में पैटर्न 1 है, टोटल 7 क्वेश्चन जो जनरली आते हैं, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ेगा। 15-15 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन होगा, 75 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। और आपके पास में सिलेबस जो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपके सिलेबस में है, और इसमें आपको कुछ चैप्टर्स को कवर करना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में तो आपको पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मीनिंग ही समझना है, आपको इसके एसेंशियल्स को ही आपको समझना है। यूनिट 2 आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप समझेंगे, और इसके इसमें अपने चैप्टर्स आते हैं, एग्रीमेंट आते हैं, ऑफर आता है, एक्सपेक्टेशन आते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर है आपके पास में। और इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और साथ साथ आपके द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये भी आपके सिलेबस में बिजनेस लॉ के अंदर है, जिसमें कि आपका जो है सिलेबस काफी वास्ट हो जाता है। और यहां पर आपके पास में द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, आपको लग रहा है कि सिर्फ 4 यूनिट है, हो जाएगा बच्चे, कुल मिला करके इसको हमें ऐसे नहीं पढ़ना, हर यूनिट में चैप्टर्स हैं। और हम चैप्टर वाइज भी पढ़ते हैं तो कुल हमारे पास में 18 चैप्टर चले जाते हैं, 18 चैप्टर हो जाते हैं। 18 चैप्टर को पढ़ने के लिए 2 महीने बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे लेक्चर को डिलीवर ही नहीं करना है, आपको उसको खुद आपको समराइज करना है। इसमें आप कुछ मेकिंग कर ही नहीं सकते हो, जो कानून है आपको वही लिखना पड़ेगा ना, इसमें आप बना करके क्या लिखेंगे, कोई अपना कानून तो आप इसमें नहीं ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा आपके पास में सब्जेक्ट आ गया है जिसको लर्न करने में आपका समय जाएगा। हाँ, लेकिन लर्न आपको इजिली हो पाएगा, आपको एक्ट इजिली आपको पता चल पाएगा जब आप इसको समझ पाएंगे। तो अगर आपने समझ लिया तो आपके लर्न करना आसान हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको लर्न करने की नीड नहीं होगी। मैं एग्जाम्पल के साथ, पिक्चर के साथ ही आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। क्लियर है जी? तो आपका कोर्स यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा। बिल्कुल सही, मैंने जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च कर दिया है, लॉ का कोर्स आपका लॉन्च कर दिया है, और आपके और भी सब्जेक्ट्स, आपके अकाउंट्स के कोर्स आपके जो है लॉन्च हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं करें, कॉम्बो का भी आपके पास में है, कॉम्बो में जाएंगे तो आपको और उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, कोर्स लीजिएगा, लाइव क्लासेस चालू है, कंटिन्यू हो चुकी है, और लाइव क्लासेस का बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच। और यहां पर आपके मैं बात कर रहा हूं पहले बिजनेस लॉ की, क्लियर है जी? आपके लिए आपको यहां पर एक बात और समझना जरूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके 60% मार्क्स नहीं बनते हैं तो ग्रेजुएशन करना और ना करना बात बराबर हो जाती है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप कोई बीएड करना चाह रहे हैं, आप एमबीए करना चाह रहे हैं, तो हर फील्ड में ग्रेजुएशन में एक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज होंगे तभी आप आगे अप्लाई कर सकते हो।
आगे आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में ये परसेंटेज क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आएगी कि ग्रेजुएशन का कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा है, दोबारा से ग्रेजुएशन करने की सिचुएशन में जा रहे हैं। और सेमेस्टर वन में अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, आपके 45-40% ही मार्क्स बन पाते हैं, तो आगे तो और चैलेंज आपके सामने आएंगे, आगे आपके लिए आपके ये ट्रेंड फिर कंटिन्यू रहेगा और वो 60% आपके लिए रिस्क हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपके लिए खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए सेमेस्टर वन से ही अपनी लीड बना के रखें, 70-80% के बारे में सोचें। सोल में वैसे ही स्कोर करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर आपका स्कोर होगा, और 80% की प्लानिंग से चलें, तब जाकर के आगे अगर आपके सेमेस्टर किसी एग्जाम में ऊपर नीचे मार्क्स आ जाते हैं तब आप 60% अपना मेंटेन कर सकते हो। उसको लेकर के आप सीरियस रहिएगा, गंभीर रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा और वहां पर आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर भी है कॉन्टैक्ट करने के लिए, और आपके पास में हमारे चैनल का, हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।